हेलो, कैसे हो? ठीक हूँ। आज हिना से बहुत अच्छी बातें हुई। तुम्हारे जी बताया उसने। बहुत बातें कर रही थी। बताने की जरूरत नहीं है, बुराइयाँ और खराबियाँ। नहीं, तुम्हारी तारीफ कर रही थी। छोड़ें, आप पे झूठ बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पता है वो दिल की बहुत अच्छी है, बस उसको ये समझ नहीं आता कि कौन सी बात किस वक्त करनी चाहिए। कहते हैं जबान का वार तलवार के वार से ज्यादा गहरा होता है। मैं समझाऊंगी उसे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, अब तो मुझे आदत हो गई है। हाँ, वो ना करे तो मुझे बेचैनी होने लगती है। वैसे आप ठीक कह रही हैं, वो बहुत केयरिंग और लविंग है। वो ना होती तो मैं क्या करता। बहुत चाहते हो तुम उसे? पता नहीं, लेकिन ये पता है कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। अब अल्लाह करे वो भी मेरे बगैर ना रह पाए। लगता तो ये है कि वो मुझसे बहुत तंग आ चुकी है। ये कैसी बात कर दी आपने? जाहिर है वो आपके साथ है ही इसलिए क्योंकि उसे आपकी जरूरत है। नहीं, वो इसलिए है ताकि वो मुझ पे अपने हुक्म चला सके। मुझसे ज्यादा उसकी बातें कौन बर्दाश्त कर सकता है, इसीलिए तो वो मुझे पट्टू कहती है। कैसा गंदा सा वर्ड यूज कर रहे हो तुम? क्या पट्टू का मतलब आपको नहीं पता? इसको कहते हैं बुजदिल, वो मुझे पट्टू कहती है। मुझे ऐसे फजूल लफ्जों का नहीं पता होता। आपको नहीं आते ना? हिना तो मुझे हर वक्त पट्टू ही कहती है। ऐसी बात नहीं है, अगर आप बुजदिल होते तो इतनी बहादुरी से मेरा साथ ना देते। ये भी सिर्फ हिना की वजह से हो रहा है, वो ना होती तो मैं कुछ नहीं कर पाता। खैर, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जाता हूँ। मैं कल लॉयर से मिलूंगा और मैं आपके ऑफिस के बारे में डिस्कस करके आपको बता दूंगा। वैसे बेहतर ये होगा कि आप अपनी बहन से बात करें। वो कैसे मेरी मदद कर सकती है? वो एटलीस्ट उनसे बात कर सकती हैं, आपको आपके ऑफिस के पेपर्स दिला सकती हैं, और कोर्ट कचहरी का क्या पता कितने साल लग जाए। वो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं बात करके देखती हूँ। चलो, बहुत रात हो गई है, फिर बाद में बात करते हैं।